morning, guys. Welcome back to the channel. And today we are checking out of the hotel room here in Darjeeling, and we'll be heading towards Peling, and from Peling to Gangtok. So this is gonna be a long journey. So it's around three hours from Darjeeling to Peling, and from Peling to Gangtok it's approximately 7 hours. So it's gonna be a long ride. And one more thing, guys, we have a festival in a music festival in the at Borpeta Road. So we bought a banner here to put at Darjeeling, but we could not put it, so we are handing over it to the hotel manager and the band members from Confusion, who played last year. They're gonna take this and put it here. So I'm handing it over to Yabhaiya. So luggage बांध लिया पूरा, अभी निकालने के लिए तैयार। रास्ते में मिलते हैं, रास्ते में दिखाते हैं जगह आपको। आप राइड करने वाले हो ना आज? सर, आप राइड करने वाले हो ना? ओके। बाइक, रिजय भैया का बाइक से धुआं निकल रहा है पीछे वाले टायर से। तो भाई ऐसा कंडीशन हुआ कि मतलब इतना नीचे आ गया हम लोग दार्जिलिंग से, तो ब्रेक में से धुआं निकल रहा है, धुआं धुआं हो गया सब। और क्या बोले, हम लोगों ने यहाँ पे होल्ड लिया क्योंकि ये ब्रेक काम नहीं कर रहा है अभी कर रहा है फिलहाल, लेकिन जब डाउन नीचे जाते हैं तब काम नहीं करता है। So we stopped here somewhere. What division? कुछ four. तो ब्रेकफास्ट हो गया, अभी स्टार्ट करने वाला है फिर से जर्नी। तो लगी रही है भाई, भाई साहब रोड देखिए, रोड मस्त है, मस्त। ऐसा रोड मतलब कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे मिलेगा। ये दार्जिलिंग से सीधा या पेलिंग जाने वाला रोड है ये, और बहुत खूबसूरत है भाई, नज़ारा देखिए जस्ट। ब्रो, तो ये जगह पहुंच गया है, ये ब्रिज पूरा नीचे आ चुके हैं हम, अभी चढ़ाई बाकी है। और यहाँ पे देखिए मस्त है, शिव जी का यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है, और ये ब्रिज। तो अभी जाना है ऊपर चढ़ाई। रास्ता बहुत खराब है और छोटा भी है, ये देखिए सुनसान सुनसान रास्तों में से कब पहुंचेंगे रे बाबा। हम लोग गलत रास्ते से आ गए थे, अभी रिटर्न हो रहे हम लोग, तो यहाँ पे आके ये वाला व्यू मिल गया हमें, ये बहुत ही खूबसूरत है। कौन सी ब्रिज है पता नहीं है, लेकिन ये मजा आ गया भाई, बहुत ही खतरनाक। चल चल चल, वेलकम टू सिक्किम। सो फाइनली एंटर सिक्किम एंड रजिस्ट्रेशन डन, सो विल बी मूविंग नाउ, moving towards Peling, and Peling is around 60 kilometers from here, from this point. And when you come with your own vehicle like bike, the bike should be registered in your own name, and what else, yeah, you need helmet for both pillion rider and yourself, I mean rider and a pillion. The road condition is very nice here,
I mean, it's not very nice, but there are a few stretches where the road is broken, but still, it's good enough. And we'll be having lunch here at Hotel Dawa. It's Lakeship Bazaar, West Sikkim. So let's have lunch with chicken today. Vijay bro, khana mil gaya? Khao, khao, khao. Kya, kya, kya hai? Kya sabzi hai? Chicken hai, daal hai, asar hai, sab cheez hai. Ye mula? तो लंच कर लिया, अभी फिर से राइड कर रहे हैं। यहाँ पे इतना ठंड तो नहीं है, लेकिन आगे पेलिंग में ठंड है, इसलिए फिर से पहन लिया। यहाँ पे गर्मी बहुत था, फिर भी स्टिल पहन लिया। ये गार्ड लगा रहा है। हम लोग कहीं पेलिंग के आसपास है और हमने रिफ्यूल कर लिया। ओनली 300 रुपीज का तेल गया है अंदर, मतलब कि कल जो तेल फुल किया था वो ज्यादा खत्म नहीं हुआ था। ओके फाइनली इन स्काई वॉक एंड इट्स रेनिंग हेवीली एंड क्या करूँ भाई, और इतना ठंड है और जूता खोलना पड़ता है, क्या बोलूँ अभी। और अम्ब्रेला नहीं है तो ये देखिए भाई साहब, कैप के साथ ढक के मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर यू पीपल आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ दिस कैप एंड रिजय भैया इज ऑल्सो ब्लॉगिंग। चलो ये ही एक बार घुमा देते हैं, किस तरफ घुमा रहे हैं वो तो पता नहीं। ओके दिखाते हैं। सो दिस इज अ स्काई वॉक। चलो प्रवेश करते हैं स्काई वॉक पे। आयो उजी खुशु ठीक है बोला, प्लीज डू नॉट जंप, run, please do not run, jump on the elevated glass. ए, पानी कैसा है? पानी बढ़िया, पानी कैसा है? फ्रीजिंग कोल्ड मैन। फीलिंग ये स्काई वॉक। यहाँ पे पानी इतना ठंडा है और हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है। हम लोगों को अभी जाना है गैंगटॉक 113 किलोमीटर। आप देख सकते हो वेदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी क्या करें भैया, जाना होगा यहाँ से। वो ऊपर नहीं जाएंगे नेक्स्ट टाइम कभी आने से। जाना है क्या ऊपर? ऊपर जाओगे? नहीं, उधर एक जिन नहीं है ना, तो इस तरफ ऊपर 170 स्टेप्स। यहाँ पे स्टैचू है बुद्धा का और यहाँ पे इस तरफ स्काई वॉक, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। इट्स ऑलरेडी कितना हुआ टाइम, लेट मी सी किधर से आता है। इट्स ऑलरेडी 4:37 एंड वी हैव 113 किलोमीटर्स टू गो अगेन, सो इट्स गोइंग टू बी टफ। तो पेलिंग से गैंगटॉक जाते वक्त मतलब हम लोगों को ये ऑफ रोडिंग स्ट्रेच मिला, मतलब कि हाईवे बहुत ही ख़राब था, बहुत ख़राब था और ऊपर से बारिश और उसके ऊपर में क्लाउड, तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। थैंक्स टू दैट वैगनर वाला गाय जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, जिन्होंने मतलब हमें हौसला दिया कि हाँ आप लोग मतलब ये क्रॉस कर सकते हो, तो उन्होंने हम लोगों को गाइड किया। हम लोगों को मतलब वो बहुत आगे जा सकता था लेकिन हम लोगों को रोक के मतलब वो ऑफ रोडिंग वाला स्ट्रेच क्रॉस करवाया। उसके बाद जब अच्छी सड़क आ गई वो मतलब चले गए, हमें थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं दिया। एनीवेज थैंक यू सो मच, वी लव सिक्किम, द पीपल हियर आर वेरी हेल्पफुल। और एक प्रॉब्लम आया था रास्ते में, हमारा बाइक जिसपे मैं था उस बाइक का मतलब रास्ते में मतलब प्रॉब्लम हो गया कि हेडलाइट काम नहीं कर रहा था। फिर भी हम लोगों ने गैंगटॉक तक आया, रात के 10:30 बजे ये 11 बजे पहुंच गए थे। थैंक्स टू द पीपल ऑफ सिक्किम, दे आर वेरी हेल्पफुल। गैंगटॉक में भी हमें ऐसे लोग मिले जो खुद अपने बाइक को रोक के हमें हेल्प करने के लिए तैयार था। सो सिक्किम इज़ वेरी नाइस, द पीपल हियर आर ब्यूटीफुल, दे आर हेल्पफुल, सो वी लव सिक्किम। वो
वी आर अराउंड 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गैंगटॉक एंड आई एम एग्जॉस्टेड यू नो एंड ऑन द वे सो मेनी थिंग्स हैपेंड आई विल लेट यू नो लेटर स्टे ट्यून्ड So we are staying at Hotel Rikasa tonight. Pahunch gaya. So this is the hotel where we'll be staying and halat kharab ho gaya bhai. Pura kharab. Pura matlab pura ka pura. So ye Nathula jane wala road ke samne hi hai hotel. So khana khate uske baad so jaate hain kal milte hain. Theek hai? Bye bye.